हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िले के बारे में, नाम है लोहरदगा। क्लियर? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे झारखंड के मैप में, जो लोहरदगा का जो लोकेशन है वो यहाँ पे शेडेड रीजन से ब्लैक कलर का शो किया हुआ है। क्लियर है बात? अगर हम लोग बात करें इसके पड़ोसी ज़िलों के बारे में, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले है गढ़वा ज़िला, ये हो गया गढ़वा ज़िला। उसके बाद आता है पलामू ज़िला, उसके बाद चतरा, ये हो गया आपके पास ब्लैक वाला लातेहार। इसके बाद यहाँ पे लोहरदगा, रांची, और ये कौन सा ज़िला हो गया? ये हो गया गुमला। क्लियर है बात? तो अगर आपसे पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन कि लोहरदगा ज़िले की सीमा कितने ज़िलों से लगती है, तो हम क्या बोल सकते हैं? 6 ज़िलों से लगती है। कौन कौन सा हो गया? ये फर्स्ट वाला जो हमने यहाँ पर टिक किया हुआ, गढ़वा, पलामू, चतरा, ये लोहरदगा, ये गुमला और ये रांची। तो कितने ज़िले हो गए? टोटल मिला करके 6 ज़िले हो गए। तो 6 ऐसे ज़िले हैं जो लातेहार को टच करते हैं। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें लातेहार ज़िले के बारे में, लातेहार झारखंड बनने के बाद का बनने वाला ज़िला है। अगर हम लोग सिक्वेंस में बात करें तो लातेहार का नंबर जो है वो 20वां नंबर का आता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि झारखंड में पहले जब झारखंड बन रहा था उस समय कम ज़िले होंगे, तो कितने ज़िले थे? टोटल मिलाकर के थे 18 ज़िले। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बनता है उस समय कितने ज़िले थे? 18 ज़िले। क्लियर? उसके बाद आज कितने ज़िले हो गए? आज है 24। अच्छा, तो 19वां ज़िला मतलब कि पहला ज़िला कौन बना झारखंड बनने के बाद? तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन, पहला ज़िला कौन बना, 19वां ज़िला, वो बना सरायकेला। क्लियर है बात? तो सरायकेला कहाँ से तोड़ करके बना? वो बना पश्चिमी सिंहभूम से। क्लियर है बात? सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से टूट करके 1 अप्रैल 2001 को बनता है 19वां ज़िला। क्लियर हो गया बात? 1 अप्रैल 2001 को बनता है झारखंड का 19वां ज़िला सरायकेला खरसावां। अच्छा, कौन सा प्रमंडल में है सरायकेला खरसावां? यह है कोल्हान प्रमंडल में। अच्छा, प्रमंडल, तो झारखंड में टोटल प्रमंडल कितने हैं? झारखंड के टोटल प्रमंडल है 5। कौन कौन से? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू और संथाल परगना। फिर से रिपीट करते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू और संथाल परगना। तो उत्तरी छोटा नागपुर में कितने ज़िले हैं? उत्तरी छोटा नागपुर इस रीजन में आता है और उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल 7 ज़िले हैं। ठीक, दक्षिणी छोटा नागपुर इस रीजन में आता है और यहाँ पे कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें संथाल परगना के बारे में, तो संथाल परगना में कितने हैं? 5 ज़िले हैं, सॉरी 6 ज़िले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पलामू, तो पलामू में ये 3 ज़िले आते हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। अच्छा, एक और ज़िला बच गया, वो क्या बच गया? उत्तरी छोटा नागपुर देख लिया हमने, ये दक्षिणी छोटा नागपुर देख लिया, संथाल परगना देख लिया, पलामू देख लिया और यहाँ पर जो 3 ज़िले आते हैं वो होते हैं कोल्हान के। क्लियर हो गया बात? तो टोटल कितने ज़िले हो गए? 24 ज़िले। झारखंड जब बन रहा था उस वक्त कितने ज़िले थे? उस वक्त थे 18 ज़िले। इसका मतलब कि 6 ज़िले बाद में बने। अच्छा, अगर 6 ज़िले बाद में बने, तो 19वां ज़िला कौन बना हम लोगों ने डिस्कस किया, वो था सरायकेला खरसावां। कब बना? 1 अप्रैल 2001 को। अच्छा, इसके बाद का ज़िला, इसके बाद का ज़िला ही है हमारा लातेहार। अच्छा, कौन सा नंबर का ज़िला हुआ, मतलब कि ये हुआ 20वां। बना कब? 4 अप्रैल 2001 को। 1 अप्रैल को बना सरायकेला खरसावां, ये था कोल्हान प्रमंडल में। 4 अप्रैल 2001 को बनता है लातेहार, जो कि बनता है पलामू प्रमंडल में, और ये कौन सा ज़िला हुआ? 20वां ज़िला। अच्छा, अगर 21वां ज़िला के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो 21वां ज़िला जो बनता है वो बनता है जामताड़ा। ठीक है, 21वां ज़िला कहाँ बनता है, कौन सा बनता है? वो बनता है जामताड़ा। कब? 26 को। तो सरायकेला खरसावां 1 अप्रैल को, लातेहार 4 अप्रैल 2001 को, 26 अप्रैल 2001 को बनता है जामताड़ा। कहाँ से ब्रेक होकर के? दुमका से। अच्छा, तो ये कौन सा प्रमंडल में हो गया? ये हो गया संथाल परगना प्रमंडल में। ठीक बात है, 1 अप्रैल 4 अप्रैल 26 अप्रैल। अब बात करते हैं 22वां ज़िला के बारे में, तो 22वां ज़िला बनता है सिमडेगा। ठीक है, ये कहाँ बनता है? ये बनता है दक्षिणी छोटा नागपुर में, गुमला को ब्रेक करके। तो 4 ज़िले बने अप्रैल 2001 में, कितने ज़िले बने? 4 ज़िले बने। कौन कौन सा? सरायकेला खरसावां,
फिर वो कब बनता है, 1 अप्रैल 2001 को। उसके बाद 19वां जिला बनाइए, उसके बाद बनता है 20वां जिला, कौन होता है, लातेहार, वो कब बनता है, 4 अप्रैल 2001 को। उसके बाद बनता है जामताड़ा, वो कब बनता है, 26 अप्रैल 2001 को। और लास्ट में जो बनता है उसके उसका नाम है सिमडेगा, जो कि गुमला जिला से ब्रेक होकर के बनता है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। और ये कब बनता है, ये बनता है 30 अप्रैल 2001 को। अच्छा, ये 4 जिले हो गए, तो 18 और 4 कितने हो गए, 22 जिले, और भी 2 जिले हो गए। और ये 2 जिले जो हैं वो हैं खूंटी और रामगढ़, ठीक है। तो खूंटी भी बनता है 12 सितंबर 2007 को, और रामगढ़ भी बनता है 12 सितंबर 2007 को ही, लेकिन 23वां जिला जो है वो कौन सा है, खूंटी, और 24वां जिला कौन सा हो गया, रामगढ़। तो टोटल कितने जिले हो गए, 24। 18 जिले झारखंड बनने के बाद थे और 6 जिले बने। 19वां जिला बनता है सरायकेला खरसावा, मेरे साथ याद करिएगा, सरायकेला खरसावा कब बनता है, 1 अप्रैल 2001 को। 20वां जो जिला बनता है वो बनता है लातेहार, वो कब बनता है, 4 अप्रैल 2001 को। 21वां जिला जो बनता है वो बनता है जामताड़ा, वो कब बनता है, 26 अप्रैल 2001 को। 22वां जिला 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा बनता है, और 23वां और 24वां जिला है खूंटी और रामगढ़ है, जो कि बनते हैं 12 सितंबर 2007 को। क्लियर है बात, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे हैं लातेहार के बारे में, लातेहार मतलब 20वां जिला, कब बना, 4 अप्रैल 2001 को। अच्छा ठीक है, कहाँ से टूट करके बना, ये पलामू जिला से, कौन से प्रमंडल में आता है, पलामू प्रमंडल में। कितने जिले के साथ बाउंड्री शेयर करता है, 6 जिले के साथ, कौन कौन से, जैसा कि हमने बताया, गढ़वा, पलामू, चतरा, लोहरदगा, गुमला और रांची। क्लियर है बात। चलिए अब झारखंड, सॉरी, लातेहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, लातेहार जिला किस जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा हुआ है, यह पलामू के जिले से, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, लातेहार जिले की स्थापना कब हुई, 1992, 1982, 1994, तीनों के तीनों ये गलत ऑप्शन है। क्यों गलत है, ये आपको ऐसे भी अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन रहे तो भी आप इसको सही कर सकते थे। एक ही ऑप्शन है जो कि झारखंड बनने के बाद आया है, तो 2001 को। अच्छा, क्या आप हमको डेट बता सकते हैं कि कब 2001 में, तो बताया था कि 4 अप्रैल 2001 को, तो 4 अप्रैल 2001 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो लातेहार जिले की स्थापना कब हुई, लातेहार जिले की स्थापना हुई 4 अप्रैल 2001 को। क्लियर है बात। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लातेहार जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो लातेहार जिले का मुख्यालय जो है वो लातेहार में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि लातेहार जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो 3,622 वर्ग किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लातेहार जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो लातेहार जिले में जो अनुमंडलों की संख्या है वो है 2, तो 2 अनुमंडल है लातेहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिला निर्माण के समय लातेहार जिलों में प्रखंडों की संख्या कितनी थी। तो ये थी 7, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्तमान समय में लातेहार जिले में कुल कितने प्रखंड हैं। तो अभी जो है वो 10 प्रखंड हैं, 3 प्रखंड और बने। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लातेहार जिले की कुल आबादी कितनी है। तो लातेहार जिले की जो कुल आबादी है वो है 7,26,978, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो गया। 9 नंबर पे अगर आए हम लोग, और 9 नंबर का क्वेश्चन ये है कि लातेहार जिले की साक्षरता दर कितनी है। तो लातेहार जिले की साक्षरता दर जो है वो है 59.51%, 59.51%। यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा था, आपको दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर ढंग से, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लातेहार जिले का जनसंख्या कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है। तो लातेहार जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, 169। लातेहार जिले का जनसंख्या घनत्व 169 हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लातेहार जिले का लिंग अनुपात कितना है, यह है 968, 968 ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लातेहार जिले की प्रमुख जनजाति कौन है। देखिए लातेहार जिले जिला भी है जैसे झारखंड में आदिवासी बहुलता है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, तो उराव, खरवार, चेरो, यहाँ पे तीनों के तीनों मिलते हैं उपर्युक्त से भी, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेतरहाट किस जिले में अवस्थित है? तो नेतरहाट एक पर्यटक स्थल भी है और नेतरहाट में एक स्कूल भी है जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, आवासीय विद्यालय वहाँ का। और वहाँ से सनराइज पॉइंट और सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे सनराइज और सनसेट का बहुत ही बेहतरीन दृश्य बनता है, ठीक है। तो ये किस जिले में है? ये भी लातेहार जिले में ही है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बूढ़ा घाट, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो झारखंड का सबसे जो बड़ा सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है जो कि बूढ़ा घाट के नाम से जाना जाता है, वो किस जिले में है? तो वो है लातेहार जिले में ही। अच्छा, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो दूसरा नंबर का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कहाँ पाया जाता है, वो कहाँ पे स्थित है? वो है हुंडरू फॉल में। अच्छा, हुंडरू फॉल कहाँ, कौन से जिले में स्थित है? वो स्थित है रांची जिले में। क्लियर है बात? ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट में। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य जो है वो लातेहार जिले में ही स्थित है। अच्छा, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य है, ठीक है। तो आपको बेतला नेशनल पार्क, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है झारखंड का, बेतला नेशनल पार्क भी कहाँ है? तो ये भी आपके पास लातेहार में ही है। क्लियर? तो ये थे कुछ लातेहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उनके बारे में डिस्कशन। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे किसी और जिले के बारे में डिस्कशन को लेकर। थैंक यू।